चोरी चोरा पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए चोरी के सामानों के साथ अभियुक्तों के पास से अवैध असलहा भी बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि इनके पास से चोरी की मोबाइल तथा 3 चोरी की बाइक भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान जगहा थाना क्षेत्र के विशाल चौहान पुत्र हुबलाल चौहान निवासी रसूलपुर, सोनू प्रजापति पुत्र राम समुज निवासी रामपुर, सूरज कुमार गौड़ पुत्र राजू गौड़ निवासी लालपुर, अभिषेक यादव पुत्र विजय प्रताप यादव निवासी रामपुर, मुकुल यादव पुत्र सुदामा यादव निवासी रामपुर के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल, लूट का 57,000 रुपये, एक पिट्ठू बैग में लोहे का उपकरण, 2 मोबाइल, 12 बोर का एक देशी तमंचा व जिंदा कारतूस, 32 बोर का एक देशी पिस्टल, 315 बोर का एक देशी तमंचा तथा घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किया है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया। अगर सो रहा है माने तोड़ना है तो ये एक नया गैंग है, नई उम्र के लड़कों का। 5 लड़के हैं, 2 भागे हुए हैं। विगत 2-2.5 महीनों में ही इन्होंने काफ़ी घटनाएं की हैं और इंस्पेक्टर चोरी चौरा ने जो है थाना झांगा का केस जो है इस मामले में खोल दिया है। आप लोगों को विदित होगा कि शराब की दुकान पे एक रात में लूट हुई थी, जिसमें जो उनके द्वारा 75,000 रुपये जाने की बात बताई गई, वास्तव में चोरी जो है 35,000 की थी, जो इनके पकड़ने में जो वो हुआ। तो उक्त घटना के अलावा इनसे 3 जो मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं जो चोरी की हैं, 2 रामपुर कारखाना देवरिया और 1 अपने क्षेत्र से जहाँ से। इसके अलावा 2 मोबाइल छीनेती के बरामद हुए हैं। सभी चीज़ें रिकवर की गई हैं और ये जो असल है रिकवर हुए हैं आपके सामने ही हैं और ये कि अच्छा गुड वर्क हुआ है। इसमें एसएसपी महोदय से अनुशंसा की जाएगी कि टीम को पुरस्कृत किया जाए। लूट के कोई जो लूट हुआ था लूट किए थे 35,000 मिले हैं। तकरीबन 5,700 रुपये मिले हैं उस लूट के। असलाह लेकर के क्या करते थे? असलाह लेकर लूट करते थे, छिनैती कर लेते थे मोबाइल की। चोरी भी है, इनके मोटरसाइकिलें चोरी इनकी पाई गई इनके पास से। और कोई मुकदमा है नहीं अभी तक? इनमें से किसी के जेल जाने की बात प्रकाश नहीं आई है, लेकिन और क्रिमिनल हिस्ट्री होगी तो ये देवरिया कुशीनगर से हम लोग पता करवा रहे हैं।